जागदियां कौमां दे नाल हकूमतां नूं सरकारां नूं हमेशा किड़ हुंदी है कि सवाल क्यों करदे ने, कि लोकां नूं लड़ना, लोकां नूं आपदे हक दी गल क्यों सिखाउंदे ने। जिहड़े लोक इह रौला पा रहे आ हुण, जिन्हां नूं बड़ा दुख लग रहा है कि फड़ने चाहीदे सी, मानवता मारना नहीं सी चाहीदा, यार जिहड़े फड़ा ते 84 वालां दा इंसाफ मिल गया, उन्हां नूं तां अहुदियां नाल नवाजिया कि 2015 वाले जिहड़े फड़ाए आ उन्हां नूं सजावां मिल गईआं। कौमां कीआं इह काम करदियां, तुसीं सिख कौम नूं, इह सिख संगत ने फैसला कीता है, इह खालसा पंथ ने फैसला कीता है, इह भीड़ दा फैसला नहीं सी, इह भीड़ ने नहीं, बंदा नहीं मारिया भीड़ ने, खालसे ने सोधा लाया, खालसे ने अपनी रवायतों मुताबक आप फैसला किया। जिहड़े लोगों को बहुत दुख लग रहा है कि जी फड़ना चाहिए सी, सबूत मिट गए, ये हो गया वो हो गया, वो तो वैसे भी पता लग जू कौन करवा रहा है, किन्ने करवाया है, ये तो आ ही जाना सामने। पर जिहड़े कह रहे हैं ना बड़ा ज्ञान झाड़दे आ, इधर ज्ञान झाड़न की जदों किसी के प्यो नूं हाथ पाओगे तो वह यह असर करूगा। अगला जिहड़ा हाथ पाउण आ रहा है, बेअदबी करन आ रहा ना, यह उपदेश उन्होंने दिओ कि बंदे बन जाओ, गुरु घरां दे विच बेअदबियां ना करो, नहीं तो आपकी जान तो हाथ धोवोगे। जिद्दण पता लग गया कि कहानियां घड़ कौन रहा है, किहड़ी पार्टी जां किहड़ा धर्म जां किहड़ा संघ, धर्म तां खैर एवें दे गंदे काम नहीं करता, पार्टी किहड़ा डेरा जां किहड़ा संघ, ना संघ की कोई ट्रेनी है, ना किसी पार्टी का नामो निशान रहूगा, ना किसी डेरे दियां इट्टां नहीं रहनियां, इट्टां भी वह भी पताल च जाणगियां। कई मैं देखा भी बहुत वध चढ़ के बहुत हवाबाजी च चकता परता, वह भी माड़ा, तो जिहड़े जमें कह रहे ने इहदा जी माड़ा करता फड़ा, वह भी माड़ा, उहदे च ना इह जाण के जनसियां लड़ाउणियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सारिआं नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। पता ही आपां नूं सारिआं नूं मसला बेअदबी दा, दुष्टां नूं सोधा लाउणा। एक रात गोल्डन टैंपल हरिमंदर साहब अमृतसर साहब रामदास गुरु साहब दी नगरी, साडा सब तो उत्तम पवित्र स्थान, और एक अज जिहड़ा इधर गुरदासपुरा वल बेअदबी हुई है, दोनों नूं सोधा लाया गया। जदों सरकारां इंसाफ नहीं दिंदियां, जदों तुहानूं न्यायपालिका इंसाफ ना देवे, जदों 40-40 साल च 35-35 साल चाहे 84 दा चाहे 2015 बेअदबी, ईवन के 47 तक दे मसले, फिर कौमां आप फैसले करदियां होंदियां, पहलां भी कीते आ। पर गल इत्थे एक गल होर आ कि ठीक है असीं फैसला कीता, मैं रात बहुत गुस्से च सी क्योंकि नवां नवां इत्थे रात लाई पाया, उह ना लाश जिहड़ी पई सी दोस्त दी, ते उह दिखाई तो फेसबुक दी आपणी पॉलिसीज़ आ, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि सस्पेंड कर देंगे, वीडियो मैं डिलीट करता भी एवं सस्पेंड कर देंगे चैनल, है ना, कि मैं ऐसे नाले सवेरे फिर गल करांगे, तो मैं सवेरे तां नहीं की क्योंकि सवेर का वो जड़ा गुरदासपुर वाला जड़ा इधर होया है ना गुरु घर के बेअदबी, उहदी कुटमार दी वीडियो देखियां। हुण इह क्यों हो रहा, कातों हो रहा, तो कौन करवा रहा? जागदियां कौमां दे नाल हकूमतां नूं सरकारां नूं हमेशा किड़ हुंदी है कि सवाल क्यों करदे ने, कि लोकां नूं लड़ना, लोकां नूं आपदे हक दी गल क्यों सिखाउंदे ने। पिछले कुछ सालां दे विच चाहे वह सेवा दे रूप च ला लो, लंगर लोगों की हैल्प करनी, दुनिया भर दे विच जिवें पंजाबी फैले आ ते जिवें कोई भी कुदरती आफत आउंदी आ तां सिख कौम वध चढ़ के हैल्प करती है। ये जिहड़े भारतीय हकूमत है जिहड़ियां इत्थे
सत्ताधर पार्टियां जां दूजियां ने कुछ उन्होंने ये गल चुभदी है कि 2% ये सानू साड़ी सत्ता जिहड़ी आने वाले समय च करनी है जां कर रहे उहदे च अड़िका जिहड़ी हुण सत्ताधर धिर है ये 2014 च आउंदी है ते 2015 तो बेअदबियां स्टार्ट हो जांदियां ने जिहड़ी जिहड़ी स्टेट दे विच इन्हां ने राज कीता है उत्थे उत्थे इन्हां ने क्यूमनल जिहनूं कहिंदे ने फिरका प्रस्त नफरत वाली राजनीति की है। तो हुण भी जदों कि इस टाइम इन्हां दा राज है तो ये हुण ही कहिंदे हिंदू नूं खतरा है जदों राज इन्हां दा जदों कि हिंदू नूं कोई खतरा नहीं इत्थे भाईचारक सांझ बहुत मजबूत है पर कि ना कि कोई ना कोई हादसा भारत च हुंदा है पर पंजाब दे विच धर्म जात नूं लैके हादसे नहीं होंगे दंगे नहीं होंगे क्योंकि गुरु साहब का बहुत वड्डा उपदेश हर बच्चे बच्चे दे अंदर मन च वसिया होया सिख कौम जे अपन लड़ना जानती है हक लेना जानती है पर इन्हां जिन्ना शांति ते इन्हां प्रति भी मानवता सब नूं एक निगाह नाल देखण वाला भी कोई नहीं है यही गल इन्हां नूं रड़कदी है। हुण इत्थे राज करनी इत्थे ये गंद पा रहे जिहड़ा भी धर्म दे नाते जिहड़ा अज सवेरे जिहड़ा इधरों हुशियारपुर वालों गुरदासपुर वालों फड़िया उहदे नेड़ियों जिहड़ा उहदे कोल चोरी किए हुए दो आइडेंटी कार्ड हिंदू नाम वाले कि बेअदबी करके उत्थे सुट्टूगा हिंदू नूं सिख नूं लड़ाओ हिंदू सिख चों जिहड़ी हिंदू वोट है उन्हों हासिल करना उन्हों डरा क्योंकि जट वोट बहुत घट है जिहड़ी गरीब वर्ग की वोट है जिन्हों क्योंकि पाड़ा अमीर गरीब का एस सी बी सी ये इन्होंने आपदियाँ वोटा दे लैन दे बनाए हुए ने वोट का भी एक फिट है अपनी जगह पर है ना न्यूट्रल वोट है कितने नहीं जाते ये सिर्फ अपनी वोटा की राजनीति लिए कुछ कर रहे हैं पर जिहड़े लोग रौला पा रहे हुण जिन्हां नूं बड़ा दुख लग रहा है कि फड़ने चाहिए सी मानवता मारना नहीं सी चाहिए यार जिहड़े फड़ाते 84 वालां दा इंसाफ मिल गया उन्हां नूं तां अहुदिआं नाल नवाजिआ कि 2015 वाले जिहड़े फड़ाए आ उन्हां नूं सजावां मिल गईआं कौमां अक्कीआं इक कम करदीआं तुसीं सिख कौम नूं इह सिख संगत ने फैसला किया ये खालसा पंथ ने फैसला किया ये भीड़ का फैसला नहीं सी ये भीड़ ने नहीं बंदा नहीं मारिया भीड़ ने खालसे ने सोधा लाया खालसे ने अपनी रवायत मुताबक आप फैसला किया और वो संगत है गुरु घर के संगत होंगी है भीड़ नहीं होंगी कुछ पत्रकार भी भीड़ भीड़ संगत ने फैसला किया और गुरु साहब ने कराया जिहड़े लोगों को बहुत दुख लग रहा है कि जी फड़ना चाहिए सी सबूत मिट गए ये हो गया वो हो गया वो तो वैसे भी पता लग जू कौन करवा रहा है किन्ने करवाया है ये तो आ ही जाना सामने पर जिहड़े ये कह रहे हैं ना बड़ा ज्ञान झाड़ते हैं इधर ज्ञान झाड़न की जदों किसी के प्यो नूं हाथ पाओगे तो वह यह असर करूँगा अगला जिहड़ा हाथ पाउण आ रहा है बेअदबी करन आ रहा ना ये उपदेश उन्होंने दो कि बंदे बन जाओ गुरु घर बेअदबियां ना करो नहीं तो अपनी जान तो हाथ धोवोगे ये मानवता का पाठ उन्होंने पढ़ावो जिहड़ा सप्यो सानू मानवता सिखाउंदा है जे उन्हूं कोई हाथ पाओ तो वो पापी है वो दुश्मन है कौम का पंथ का उन्हूं ही उदाए हालो इसलिए उपदेश उन्होंने दो जिहड़े आउंदे ने कि आ देख लो पहला तो सबर सी हुण सबर दा बन टुट गया हुण ऐ अड़ूगा तो झड़ूगा जिहड़ा आऊगा गलत निगाह नाल ऐ जाऊगा ये चाहते ने कि गुरद्वारां दे विच पाबंदियां लग जाण भी उत्थे शनाखतां होण भी इन्हां दा धर्म वधे फुले ना मानवता ना वधे फुले एक्चुअल च क्योंकि मानवता तो बहुत तकलीफ है जागदियां जमीरां तो जागदे लोकां तो इस पार्टियां नूं जिन्हां ने राज करना जां कर रही उहनां नूं बहुत तकलीफ है पर एक गल याद रखियो जिदन पता लग गया कि कहानियां कणक कौन रहा है केड़ी पार्टी जां केड़ा धर्म जां केड़ा संघ धर्म तो खैर एवें गंदे काम नहीं करता पार्टी केड़ा डेरा
ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੰਗ, ਨਾ ਸੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੂਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਪਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਗੰਦ ਕੌਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਨਾ ਫੈਲਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਆਪਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਆਪ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਪੀ, ਸਿਰਫ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚਟਕਾਇਆ ਜਾਊ। ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਬੌਲੇ ਕਰਕੇ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਰ ਮਰਨਾ ਤੈਅ ਆ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੈਰਾ ਉੱਥੇ ਅਸਲ 'ਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਜੇ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਆਇਓ, ਹੁਣ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜਨੇਤਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਪ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ, ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਗੰਦ ਆਉਣ ਪੂਰਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਟਿਓ ਨਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਟਿਓ ਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਧੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਿਓ ਮੋਸਟਲੀ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ, ਅੱਧੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਚੁੱਕਤਾ ਪਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ ਫੜਾਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲੜਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਸਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ, ਸਾਡਾ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਿਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾ ਲੜੀਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਲਵਾ ਤਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾ ਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਖਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿੰਗ ਫਸਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਵੰਡ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਾਹਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਲਝੀਏ ਨਾ,
गुरु साहब ने जो करना वो संगत रूप से उन्होंने फैसले आपके नाल दिया करते हैं जिवें हुण कीते ने। आपस ना टकराइए। तुसीं ये वेखो गोदी मीडिया उत्थे बंदा मारिया हौला लाला हुण तक करी जांदा डिबेटा दरबार साहब ते एडा वड्डा जुल्म करता बेअदबी करती शरेआम वीडियो आ गए। एक एनडी टीवी ने तो बिना किसी ने पट्टी च भी न्यूज़ नहीं चलाई जदों कि इस मसले पर डिबेट होनी चाहिए सी क्योंकि इलैक्शन ने एडा वड्डी साजिश किन्ने रची किवें रची हुण चुप है इन्हां नूं सप्प सुंघ गया। इत्थों पता लग रहा है कि सारा कुछ कांड कौन करा रहा है। जे किसी होर ने किया होंदा तां गोदी मीडिया रौला पाउंदा हुण गोदी मीडिया किहदा सब नूं पता है। इस करके याद रखियो जिहड़ा तुहाडा उत्थे जिहड़ा हैगा ना नागपुर उत्थां कुछ नहीं रहना जे पता लग गया भी ये तुहाडे काम ने। सो दोस्तों आपस च इकट्ठे रहिए बाले आपां कोई भी गलत बयानबाजी ना उन्हां दे पक्ष च ना उल्ट जो गुरु साहब ने करना वह कर देना ते गुरु साहब की रजा च रहिए आपस च मिल के रहिए वोटां तक आपदे आपदे गुरु धामां की रख्या आप करिए। इन्हां ने आपदा जिहड़ा गंद पाउणा पालन पर असी अखां खुल्लियां कन्न खुल्ले जवान बंद लोड़ तो बिना कुछ ना बोलीए और जदों खुले तो बस पता लग जाए। एक रहना कट्ठे रहना धर्मां दे नाँ ते लड़ाउणगे इन्हां ने धर्मां दे नाँ ते दंगियां दे नाँ ते राजनीति करनी है और यह सिर्फ वोटां तक करना है उदू बाद इन्हां ने चुप और इन्हां दी एक भी सीट ना आवे। बाकी आही गल्लां कहणियां सी कि यार आपां क्योंकि बहुत सबर नाल बोलण दी कोशिश कर रहे हैं रात बहुत गुस्सा सी ते कट्ठे रहिए ये हाले बहुत कुछ करनगे हाले तां इन्हां शुरुआतां कीतियां अपना कट्ठे रहना सारिआं दा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का बहुत जरूरी है ते जिहड़े पक्ष दे आ ना पक्ष दे आ ऐवें ना यार नफरत जिहड़ियां गल्लां करो फेसबुक ते बहुत ही ज़्यादियां है ना तां गुरु साहब ने जो करना वह करता ते जिहड़ा जदों सरकारां न्यायपालिका इंसाफ नहीं दिंदियां फिर जागदियां कौमां इंसाफ आपदा ऐं करदियां ते जे रोकना है उन्हां नूं रोको जिहड़े मूँह चुक के दूजे दिन आ जांदे ने। पंथ ते सवाल ना चुको खालसे ते सवाल ना चुको संगत ते सवाल ना चुको सवाल चुकना उन्हां ते चुको कि तुहाडी तुहानूं एड्डी कि पैसे पिछे आपदियां जवानां गवा रहे हो एडे जमीर मरे आ तुहाडी ना इत्थे तुहानूं जिंदगी मिलनी है ना अगली दरगाह च तुहाडी ढोई लगनी है जदों गुरु घरां च आ के इहो जिहे काम करोगे उन्हां नूं उन्हां ते सवाल चुको ये बेनती है। बाकी परमात्मा करे पंजाब चढ़ती कला च रहे पंजाब मेहर प्रयात रहे पंजाब नूं तत्ती हवा ना लगे ये दुआ अरदास आपदे नितनेम दे विच जिथे अपने लिए मंगदे हो उत्थे पंजाब लई पंजाबीयत लई दुनिया भर लई सब दी खैर मंगो सब दे भले दी गल करो नफरतां उत्ते आपदे हक्कां दी गल करिए। राजनेता राजनीतिक लोग सत्ताधारी लोग आपदी परजा लई आपदे गरीब गुरबे लई उन्हां लई काम करन ना कि आपदियां कुर्सियां पाउण लई आ गंदियां चालां कोझियां चालां चलन। सो इन्नी क बेनतियां सी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।